अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मी फिजा मीट माय किड्स हैदर एंड जारा आज ईद का पहला दिन और मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी की तरफ और वहाँ जाने से पहले मैंने लिया उनके लिए केक क्योंकि मीठी ईद है तो फिर कुछ मीठा तो बनता है और बस फिर मैं पहुँच गई अपनी मम्मी की तरफ और वहाँ जाते सबसे पहले हमने पिया ठंडा ठंडा संदल का शरबत छोटी ईद है तो मामा बना रही थी शेर खोरमा और उसके साथ साथ ही मेरा फेवरेट मटन पुलाव ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इवन हैदर को भी ये पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है और जब तक खाना बन रहा था हमने सोचा कि हम थोड़ी सी तस्वीरें खींच लें कुछ वीडियोज़ बना लें सो यहाँ हजार अपनी दिखा रही है ईद बास्केट और साथ ही साथ अपनी चूड़ियाँ और मेहंदी ओवर एक्टिंग के पैसे काटने <laughs> किसी भी वीडियो में मेरी कंप्लीट ईद लुक नहीं थी तो यहाँ मैं अपनी पिक्चर अटैच कर रही हूँ अपनी ईद लुक दिखाने के लिए और अब इंतजार की घड़ियाँ हुई खत्म और पुलाव बन चुका है पुलाव के साथ साथ मामा ने बनाया हुआ था आलू गोश्त और साथ में दही पकौड़ियाँ और मैंने सारा खाना किचन में ही डाल लिया था टेबल तक पहुँचने का इंतज़ार मुझसे नहीं हो रहा था और यहाँ मैंने बाल बांध लिए अपने और मैं अपना खाना हाथ से खाऊँगी क्योंकि पुलाव हाथ से खाने का ज़्यादा मज़ा आता है इतने मज़े का था खाना खाने का मुझे कितना मज़ा आया वो आपने मेरे फेस एक्सप्रेशन से देख लिया होगा उसके बाद मैंने पी कोक और अब सेवियाँ भी बन गई थी मामा इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल रही थी मामा ने शीख कौरमे को तीन बाउल्स में डिवाइड किया और उनको ठंडा करने के लिए पंखे के नीचे रख दिया और एक बाउल पे एन लिखा हुआ है अगर आप नोट करें वो बाउल स्पेसिफिकली मामा ने अपनी फ्रेंड के लिए सेपरेट किया था कि इस बाउल को कोई हाथ नहीं लगाएगा ये उनकी फ्रेंड का बाउल है बस में शाम को हम सब मामा की उन्हीं फ्रेंड के घर गए मामा उनके लिए हलीम लेके गई थी साथ में शीर खोरमे का बाउल लेके गई थी साथ में ईद गिफ्ट्स थे मामा ने उनको और उनको वो गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे एक ये ड्राई फ्रूट वाली ट्रे थी डिश थी और साथ में एक एम्ब्रॉयडरी वाला सूट था जो उनको काफ़ी अच्छा लगा था आंटी ने हमें ये पाइनएपल केक खिलाया आप देख सकते हैं ये फ्रेश पाइनएपल केक है यहाँ पे जारा और हैदर खेल रहे हैं उन आंटी की बेटी के साथ आई थिंक जारा का और उनकी बेटी का ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है इन्हीं आंटी की एक और बेटी है जो मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है और उसको मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आप मुझे मेहंदी लगाना सो अब ईद भी थी तो मैंने इसको कहा कि प्लीज़ चलो मुझे मेहंदी लगाओ और इसने मुझे बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी आप देख सकते हैं मेहंदी की जो फाइनल लुक होगी ना आपको वो बहुत अच्छी लगेगी मेहंदी पूरी लग चुकी है लेकिन गलती से मुझसे ये क्लिप पोर्ट्रेट में बन गया लैंडस्केप की जगह और खैर मेहंदी लगाने के बाद मैंने खाया खाना खाने में फिर से मैंने खाया पुलाव और साथ में आलू गोश्त और इसके साथ मैंने थोड़ी सी बाद में खाई दही पकौड़ियां जो मैंने सुबह नहीं खाई थी तो वो मैंने रात के खाने के बाद खाई थी ऐसे गुजरा मेरा ईद का सारा दिन और यहाँ एंड पे सोने से पहले मेरे भाई ने बच्चों को आईपैड पे मूवी लगा दी साथ में उनको आइसक्रीम ले दी कि बच्चे थोड़ा ज़रा और एंजॉय कर लें और उसके बाद हम सब बस सो गए सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी।, लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़